हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूँ। कैसे हो दोस्तों, और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो टॉपिक था वो मिश्रण चल रहा था। मिश्रण में हमने कई टाइप कवर किए, आर्क और भी अच्छे टाइप जो जो हैं वो सिखाएंगे, और आप लोग इनका आनंद लीजिए और अच्छे तरीके से सीखिए। देखिए, सवाल के माध्यम से ही आप लोगों को टाइप सभी समझा देंगे, और अगर आप इन टाइपों को कर लेते हो तो यकीन मानिए कि आप मिश्रण एंड डेलीगेशन का कोई भी सवाल छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अब देखिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे अपने टाइप पे चलते हैं। देखिए, मिश्रण एंड डेलीगेशन का टाइप आगे देखिए क्या है। ऐसा सवाल है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया गया है? 4:1। अच्छे तरीके से समझना। देखिए, एक तरीके से नहीं समझ में आएगा हम दूसरा तरीका बताएंगे, दूसरे तरीके से नहीं आएगा तीसरा तरीका बताएंगे, मतलब हम तीन तीन तरीके बताएंगे आप लोगों को समझाने के लिए। कई फिर देखते हैं कैसे नहीं समझ सकते हो आप। क्या है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। ये तो मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया, कोई दिक्कत? अब इसके बाद बताया है, यदि 20 लीटर मिश्रण वापस ले लिया जाता है, 20 लीटर मिश्रण क्या है, निकाल लिया जाता है, मिश्रण अलग रख लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, और इस मिश्रण में पानी की वही मात्रा जोड़ा जाता है। देखिए, इसमें क्या होता है, पानी की वही मात्रा जोड़ दी जाती है जितना मिश्रण हमने निकाला। जैसे 20 लीटर मिश्रण निकाला तो 20 लीटर ही इसमें पानी जोड़ देते हैं। ठीक है, 20 लीटर हमने इसमें पानी जोड़ देते हैं, तो यह अनुपात 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से एक बात बताइए, जब कोई मिश्रण है उससे हमने मिश्रण से कुछ मिश्रण निकाल दिया, उसमें दूध और पानी का अनुपात जो था, दूध और पानी का जो अनुपात था, हमने उसमें से कुछ लीटर निकाल लिया, तो अनुपात तो वही बना रहेगा हमेशा, बना रहेगा नहीं बना रहेगा। जैसे कोई मिश्रण 40 लीटर का है, उसमें 4:1 है, 4:1 है, उससे हमने 20 लीटर निकाल लिया मिश्रण, तब भी तो 4:1 ही रहेगा मिश्रण। दूध और पानी तो 4:1 के अनुपात में रहेंगे। देखिए, जिस अनुपात में दूध पानी है उससे अगर आधा भी निकाल लो, कितना भी निकाल लो, मिश्रण तो मिक्स जाएगा पूरा मिला, जितना दूध जाएगा उतना पानी निकल जाएगा, जिस अनुपात में है उसी अनुपात में निकल जाएंगे। तो जब इससे हमने क्या किया, 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया, तब भी अनुपात 4:1 ही रहेगा, बताइए, 4:1 ही रहेगा। ठीक है, अब हमने इसमें क्या किया, 20 लीटर पानी जोड़ दिया। क्या किया इसमें, 20 लीटर हमने इसमें पानी जोड़ दिया। एक बात बताओ, यहाँ पे हमने 20 लीटर पानी जोड़ा है, कितना जोड़ा है, 20 लीटर पानी जोड़ा है, लेकिन दूध तो सेम होना चाहिए, दूध तो सेम होना चाहिए, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, तो हमने इसको 4 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, और जब इसमें 2 से किया तो इसमें भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, बताइए कोई दिक्कत? अब देखिए, यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ 1 से देखते हैं 6 हुआ है, कितना बढ़ा है, 5 बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, 5 बढ़ गया है। और सवाल में कितना बताया गया, पानी कितना मिलाया गया, जितना मिश्रण निकाला गया था उतना ही पानी मिलाया गया, 20 लीटर मिश्रण निकाला गया था तो 20 लीटर पानी मिलाया गया है। ठीक है, तो 5 का मान 20 हो गया, तो 5 चौके 20, 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 का मान 4 हो जाएगा। इन्होंने पूछा है मिश्रण की शुरुआती मात्रा का पता लगाएं, मिश्रण में शुरुआत में कितनी मात्रा थी। एक बात बताओ, जब हमने मिश्रण से 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया और 20 लीटर पानी मिला दिया, तो मात्रा तो उतनी बनी रहेगी, कोई चीज़ है तुम 20 लीटर निकाल लो उसमें कुछ 20 लीटर मिला दो तो चीज़ तो वो उतनी वजन की हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो मिश्रण की शुरुआती मात्रा बता दें या जो लास्ट में आई है वो बता दें, बात तो वही रहेगी। हमने कोई चीज़ 20 लीटर जैसे मिश्रण निकाल लिया, उसमें हम चाहे 20 लीटर पानी मिला दें चाहे 20 लीटर दूध मिला दें, तो मात्रा तो बराबर ही होगी जितने लीटर टोटल हुआ होगा। जैसे पहले 40 लीटर था, हमने 20 लीटर से मिश्रण निकाल लिया और 20 लीटर पानी मिला दिया, तो 40 लीटर हो गया कि नहीं हो गया, अब अनुपात कुछ भी हो गया हो तो मात्रा पहुँची गई है। तो 1 का मान कितना आ गया, 1 का मान 4 आ गया, तो इसकी मात्रा हम बता देंगे कितना हो गया। देखिए, 4 यहाँ पे 6, 6 और 4 कितना हो गया, 10, तो 10 का मान बता दीजिए, तो 10 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान 4 है तो 10 का मान कितना हो जाएगा, 40, 10 का मान कितना हो जाएगा, 40 लीटर, बताइए कोई दिक्कत? चलो कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत आती भी है तो हम इसका दूसरा तरीका बताते हैं, उस तरीके से समझिए।
इसको बिगाड़ देते हैं। इसी पर देखिए अब दूसरा सवाल लेते हैं, इससे सवाल भी लग जाएगा और तरीका भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चल ये तरीका नहीं आया समझ में तो आगे का तरीका देखिए, इस तरीके से समझ में आएगा। और फिर जब उससे भी नहीं आएगा तो फिर हम इसकी एक ट्रिक बताएंगे। ठीक है, इसको करने की एक ट्रिक बताएंगे। अब जैसे एक सवाल है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 4:1 है। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। देखिए 4:1 है एक मिश्रण में, एक मिश्रण है। ठीक है, इसमें दूध और पानी का, ये दूध है ये पानी है, का अनुपात 4:1 है। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने क्या बताया है, यदि यदि 25 लीटर मिश्रण वापस ले लिया जाता है, क्या किया जाता है, 25 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है। ठीक है, 25 लीटर मिश्रण वापस ले लिया जाता है और पानी की वही मात्रा जोड़ी जाती है। 25 लीटर मिश्रण निकाला है तो 25 लीटर पानी जोड़ दिया है वहाँ पे। ठीक है, तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो मिश्रण की शुरुआती मात्रा का पता लगाएं, मिश्रण की शुरुआती मात्रा का पता लगाएं। अब यहाँ पे एक बात समझिए, इन्होंने क्या किया, इसमें 25 लीटर मिश्रण निकाल लिया है। क्या निकाल लिया? 25 लीटर मिश्रण निकाल लिया है, 25 लीटर मिश्रण निकाला है। क्या निकाला है? मिश्रण निकाला है। अब जब मिश्रण निकालेंगे तो अनुपात तो 4:1 ही रहेगा। बताइए, कोई चीज़ है टोटल है, दूध और पानी मिक्स है, उससे हम निकालेंगे तो दोनों बराबर बराबर मात्रा में जाएंगे नहीं जाएंगे? बताइए, जिस अनुपात में हैं जाएंगे नहीं जाएंगे? अब यहाँ पे 4:1 आ गया, अनुपात वही रहेगा, मिश्रण निकाला है ना कि पानी या दूध। अगर एक चीज़ निकाली होती तो उसका घटता बढ़ता, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 25 लीटर मिश्रण निकाला है, मतलब पानी और दूध साथ साथ में जिस अनुपात में थे उसी अनुपात में निकले, उसी अनुपात में बचेंगे, 4:1 आ गया। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने 25 लीटर वाटर जोड़ा है। 25 लीटर क्या जोड़ दिया है? जल जोड़ा है, वाटर, पानी 25 लीटर जोड़ा है। हाँ, 25 लीटर पानी जोड़ा है तो अनुपात कितना हो गया? तो अनुपात हो गया है 2:3। कितना हो गया? 2:3 अनुपात हो गया है। बताइए कोई दिक्कत? अब यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है कि एक बात बताओ, मैं हमने यहाँ पे क्या जोड़ा है? पानी जोड़ा है। क्या जोड़ा है? पानी जोड़ा है, ना कि दूध जोड़ा है। पानी जोड़ा है, अब दूध तो जोड़ा नहीं, तो दूध क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, दूध सेम होना चाहिए। अब दूध सेम होने के लिए यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 दूध है तो इसको हम 4 बनाने के लिए इसमें हमने 2 से गुणा किया तो यहाँ पे क्या हो गया? 4। और इसमें 2 से गुणा किया तो यहाँ पे क्या हो गया? 6। अब देखिए यहाँ पे दूध की मात्रा सेम हो गई, दूध की मात्रा सेम हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं पानी कितना बड़ा है, 1 से 6 हुआ है, कितना पानी बड़ा है? 5 पानी बड़ा है। कितना पानी बड़ा है? 5। लेकिन यहाँ पे हमने कितना पानी जोड़ा था? 25 लीटर। तो 5 का मान कितना आ गया? 5 का मान आ गया 25 लीटर। ठीक है, 5 का मान 25 लीटर आ गया। यहाँ पे 4 और 6 कितने हो गए? 10। तो 10 का मान कितना हो जाएगा? 5 का मान 25 है तो 10 का मान कितना हो जाएगा? 50 लीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर तो हमें पता चल गया कितने लीटर आ गया टोटल मिश्रण? 50 लीटर। यहाँ पे 50 लीटर आ गया। जब यहाँ पे 50 लीटर आ गया तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए? 50 लीटर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 25 लीटर मिश्रण निकला था, यहाँ से 25 लीटर पानी मिल गया, तो मिश्रण जितना यहाँ पर बचा है वही तो यहाँ पे होने चाहिए मात्रा, तो यहाँ पे आ गया 50 लीटर। अब इन्होंने पूछा है शुरुआत की मात्रा का पता लगाएं, शुरुआत की मात्रा कितनी हो गई? 50 लीटर। अगर यहीं पर पूछ दिया जाता है शुरुआत में दूध की मात्रा का पता लगाएं, शुरुआत में दूध की मात्रा का पता लगाएं, तो शुरुआत की दूध की मात्रा भी हम निकाल सकते थे, इसे 4:1 गए तो यहाँ पे 40 दूध हो जाता, 10 क्या हो जाता? पानी हो जाता, 40 दूध हो जाता और 10 पानी हो जाता। यही इस सवाल का आंसर है, और इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से सवाल को कर सकते हैं। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा, अब देखिए अगर इसी सवाल को हम और अच्छी ट्रिक के साथ करना चाहते तो ये ट्रिक जो है ये हम दूसरे सवाल पे लगवा के दिखाते हैं, चाहे इसी पे करवा देते हैं। देखिए दूसरा सवाल देख लीजिए, इस पे
तो सवाल की मात्रा भी बढ़ जाएगी। अब देखिए, अब इसको बिगाड़ देते हैं, आगे के सवालों पे चलते हैं। देखिए दो क्वेश्चन हमने अभी तक बताए हैं और दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बताए हैं। जो तरीका तुम्हें पसंद आए उस तरीके से सवालों को कर सकते हो। अब देखिए आगे का सवाल ये है, आगे सवाल, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। कितना अनुपात है? 5:4 है। देखिए एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 5:4 है। ठीक है, 5:4 है। यदि 12 लीटर मिश्रण वापस ले लिया जाता है और पानी की वही मात्रा मिला दी जाती है, जितना लीटर मिश्रण निकाला है पानी उतना ही मिला दिया, 12 लीटर हमने मिश्रण निकाल लिया, 12 लीटर वहाँ पे पानी मिला दिया, तो यह अनुपात 4:5 हो जाता है। तो यह अनुपात 4:5 4:5 हो जाता है। मिश्रण की शुरुआती मात्रा का पता लगाएं, मिश्रण की शुरुआती मात्रा का पता लगाएं, शुरू वाली मात्रा जो है मिश्रण कितना था टोटल, उसका पता लगाना है। अब यहाँ पे एक बात समझना है कि सबसे पहले हम देखते हैं क्या ये दोनों जोड़ के और ये दोनों जोड़ के बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो पहले हम इनको बराबर करेंगे। यहाँ पे देखते हैं 5 और 4 9, 4 और 5 9 हो जाता है। फिर हम आगे वाले को ले लेंगे, 5 से कितना 4, 5 से 4 ये देखेंगे। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि 5 से 4 कितना, 5 से 4 कितना घटाया गया है? 1। कितना घटाया गया? 1। लेकिन इन्होंने में सवाल में कितना बताया? 12 लीटर, क्योंकि 12 लीटर मिश्रण का रिप्लेस हुआ है, निकाला गया, घटाया गया है, तो दूध 5 था 4 रह गया है। इसका मतलब पहले 12 लीटर निकाला गया, वहाँ पे पानी मिला दिया गया, तो दूध की मात्रा कम हो गई। 12 लीटर निकाला गया, 12 लीटर घटाया गया, तो 1 के हिसाब से कितना घटा है? 1 का मान कितना आ गया? 12 लीटर। 1 का मान 12 लीटर आ गया। तो शुरुआती मात्रा का पता लगाएं, किसकी मात्रा का पता लगाएं? शुरुआती मात्रा का पता लगाएं, तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 60 लीटर। कितना हो जाएगा? 60 लीटर। यही सवाल का आंसर है। इस तरीके से भी सवाल को कर सकते हो। ये तो इसकी हो गई ट्रिक। इस तरीके से देखिए, अब हम देखिए आगे का सवाल जो है वो इसी तरीके से करेंगे। अब देखिए इसके बाद, देखिए सवाल ये है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। कितना अनुपात है दूध और पानी का? 5:2 है। 5:2 है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि 21 लीटर मिश्रण वापस ले लिया जाता है, क्या किया जाता है? 21 लीटर मिश्रण वापस ले लिया जाता है और मिश्रण में वही पानी की मात्रा, जोड़ी जाती है, मिश्रण में पानी की वही मात्रा जोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद तो अनुपात कितना हो जाता है? 2:5 हो जाता है। अनुपात कितना हो जाता है? 2:5 हो जाता है। ठीक है, तो दूध की शुरुआती मात्रा, यहाँ पे मिश्रण की शुरुआती मात्रा नहीं पूछा गया, यहाँ पे दूध की शुरुआती मात्रा पूछा गया। तो देखिए सबसे पहले ये देखते हैं क्या ये वाले और ये वाले सेम हैं। बताइए 5 और 2 7 होते हैं, 2 और 5 7 होते हैं, बताया है हमने। तो हम क्या करेंगे, 5 को लिख लेंगे और 2 को लिख लेंगे। ठीक है, 5 को लिख लिया और 2 को लिख लिया। यहाँ से देखते हैं कितने का डिफरेंस आता है? 3 का। कितने का आता है? 3 का। लेकिन सवाल में कितने की बात हो रही है? 21 लीटर की। 3 का मान कितना हो गया? 21। तो 3 से काट देंगे, 1 का मान कितना आ जाएगा? 7। 1 का मान कितना आ जाएगा? 1 का मान आ जाएगा 7। तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 7×5 35। कितना हो जाएगा 5 का मान? 35। अब बताया गया मिश्रण की शुरुआती मात्रा का, दूध के मिश्रण का, मिश्रण की मात्रा नहीं पूछी गई, दूध की शुरुआती मात्रा का पता लगाएं। अब 35 आ गया, 35 था कितना मिश्रण शुरुआत में? 35 लीटर हो गया। कितना हो गया? 35 लीटर। अब 35 को 5:2 के अनुपात में बांट देना है। 5 और 2 कितने होते हैं? 7। 7 का मान 35 है, 7 का मान कितना है? 35 है। तो 5 का मान कितना? देखिए 7 का मान 35 आ गया, यहाँ पे समझिए 7 का मान कितना हो गया? 35 हो गया। तो 7 से काट देंगे, 1 का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 5 का मान 25 हो जाएगा और 2 का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इसको जब हमने बांटा है 5:2 को, तो 5:2 को जब बांटेंगे 35 लीटर में, तो देखिए कितना हो जाएगा, दूध तो हो जाएगा 25 लीटर और पानी कितना हो जाएगा? 10 लीटर। शुरुआत की मात्रा का पता लग गया, लेकिन दूध की पूछी गई तो दूध की कितनी हो गई? 25 लीटर हो गई।
ठीक है, यही इस सवाल का आंसर है और इसको इस तरीके से करना बेहद सिंपल है और इसी तरीके से हम सवालों को अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर तो चलो बराबर वाली बात थी, अब हम एक सवाल ऐसा लेते हैं जिसमें बराबर संख्याएं नहीं होंगी, इनका जोड़ बराबर नहीं होगा, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, इसको बिगाड़ देते हैं, फिर देखिए आगे का सवाल लेते हैं और उसको देखते हैं किस तरीके से उसको करेंगे सवाल को। ठीक है, सवाल अब देखिए, सवाल आपकी स्क्रीन पे है, क्या है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 7:3 है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। यदि 30 लीटर मिश्रण को वापस ले लिया जाता है, 30 लीटर मिश्रण को वापस ले लिया जाता है और पानी की समान मात्रा जोड़ी जाती है, पानी की क्या किया जाता है, समान मात्रा जोड़ दी जाती है, मतलब 30 लीटर मिश्रण लिया गया, 30 लीटर पानी उसमें मिला दिया गया, फिर उसके बाद क्या बताया है, तो अनुपात कितना हो जाता है, 3:2 हो जाता है। कितना अनुपात हो जाता है, 3:2 हो जाता है, 3:2 हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बताया है कि दूध की शुरुआती मात्रा का पता लगाएं, किसका पूछा गया, दूध की शुरुआत मात्रा का पता लगाए, तो सबसे पहले मिश्रण की शुरुआत मात्रा निकाल लेंगे, उससे दूध 7:3 में बांट देंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वाले और ये वाले क्या बराबर हैं, हम यहाँ पे देखते हैं 7 और 3 10, यहाँ पे 3 और 2 5 आते नहीं आते, देखिए इसका मान तो आया 5, इसका मान आया 10, तो हम इसमें अगर 2 से गुणा कर दें तो ये भी 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताइए, तो देखिए जब इसमें हमने 2 से गुणा किया तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 2 4 10 हो जाएगा, और ये तो 10 है, तो हम इसको इसको लिख लेते हैं 7 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 3 6, बताओ कोई दिक्कत, 7 और 6 आ गया। ठीक है, 7 6 का अनुपात आ गया, 7 यहाँ पे हो जाएगा, 2 3 6। अब यहाँ पे बात कितने लीटर की हुई थी, 30 लीटर की बात, कितने लीटर की हुई थी, 30 लीटर की बात हुई थी, यहाँ पे कितना अंतर आता है, 1 लीटर, 1 का अंतर आता है, 1 का मान कितना है, 1 का मान 30 है, 1 का मान 30 है, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 7 का मान हो जाएगा 210, 7 3 21, 7 का मान हो गया 210, 1 का मान 30 है तो 7 का मान कितना हो गया, 210 हो गया। अब 210 को हमें क्या करना है, इस अनुपात में बांटना है, 7:3 के अनुपात में बांट देना है, कुछ नहीं करना है, देखिए 7:3 के अनुपात में जब हमें बांटेंगे तो 7 और 3 10, 10 का मान हो जाएगा 210, जब 10 से काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 1 का मान कितना आ जाएगा, 21, देखिए 10 का मान आ गया 210, तो 1 0 से 1 0 काट देंगे तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 21, तो 7 का मान कितना हो जाएगा बताइए, 7 का मान, 1 का मान 21 हो गया, तो 7 का मान हो जाएगा, 7 का गुणा कर देंगे, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 147, 3 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान 21 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 63, तो पानी आ गया 63, दूध आ गया शुरुआती मात्रा 147 लीटर, यही इस सवाल का आंसर है। देखिए इस तरीके से हमने बहुत अच्छे अच्छे तरीके से सवालों को किया है और बहुत अच्छा आप लोगों को टाइप बताया, इस तरीके से करते हैं आप बहुत जल्दी मिश्रण सीख जाएंगे और मिश्रण में कुछ भी नहीं है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।